टाइगर जिंदा है, गिरोह का पर्दाफाश करने वाली आईएएस अधिकारी पर जानलेवा हमला। इन दिनों अंबाला में अवैध व ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कसने में जुटी आईएएस अधिकारी प्रीति पर आज जानलेवा हमला किया गया, जिसमें आईएएस अधिकारी बाल बाल बच गई, लेकिन उनके विभाग के स्टाफ पर हमला किया, जिसमें उसका ड्राइवर व अन्य कर्मचारी घायल हो गए। मामले की जानकारी देते हुए अंबाला में एडीसी एवं आरटीए प्रीति ने बताया कि आरटीए विभाग आज दोपहर से ही चेकिंग पर था। कई गाड़ियां इस दौरान इम्पाउंड की गई थी और उसी कार्यवाही के दौरान विभाग आगे की तरफ बढ़ा और ओवरलोडेड वाहन देखे तो उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान ओवरलोडेड वाहन पंजाब की सीमा में दाखिल हो गए और पंजाब बॉर्डर के करीब 100 मीटर से जब आरटीए की टीम वापस हरियाणा की तरफ मुड़ी तो ट्रांसपोर्टर्स अपने निजी वाहनों में आकर हमारी सरकारी गाड़ियों को घेर लिया। इस दौरान हमलावरों ने पथराव व लाठी डंडों से आरटीए विभाग के सरकारी वाहन को बुरी तरह क्षति पहुँचाई। एडीसी के अनुसार उनके पास वहां पर पेट्रोल के कैन भी मौजूद थे। इस हमले में एडीसी का एक ड्राइवर व गनमैन को भी चोट पहुंची है। एडीसी की माने तो इस हमले में 50 से 60 लोग शामिल थे, जिसमें कुछ की शिनाख्त भी हो गई है। आज हम लोग सुबह 12:30 बजे से चालानी पे हैं आरटीए स्टाफ के साथ में, और काफ़ी सारी गाड़ियां ओवरलोड हमने इम्पाउंड भी की, चालान भी किए। उसके बाद जब कुछ ओवरलोडिंग व्हीकल्स को हम लोगों ने पीछा करना शुरू किया आरटीए गाड़ियों के तहत, तो उन्होंने जस्ट पंजाब बॉर्डर को क्रॉस करके मेरी गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने पंजाब बॉर्डर को क्रॉस इसीलिए किया ताकि जुरिस्डिक्शन का इशू बना करके उस चीज़ को थोड़ा सा लंबा खींचा जा सके, और जस्ट जुरिस्डिक्शन के 50 मीटर पे वो गाड़ियाँ खड़ी हुई और हम लोग यू टर्न लेने लगे तो उन्होंने उस टाइम पे हमारी गाड़ियों को घेर करके और मेरी जो आरटीए स्टाफ कार थी बोलेरो उसको तोड़ दिया। मेरे स्टाफ मेंबर्स को भी कुछ चोटें आई हैं, उनके साथ मारपीट की, और उसके बाद की कार्रवाई के लिए अभी हम लोग मौके पर आते हैं। देखिए 50 से 60 लोगों के करीब थे, हम लोग जानते थे कि ये लोग अदरवाइज तो बिलोंग अंबाला से ही करते हैं। जिन लोगों की सुरक्षा के लिए या जिन लोगों की सेवा के लिए हम लोगों को इस सर्विस में लेकर के आया जाता है, उन लोगों के ऊपर एकदम से अगर हम लोग चाहते थे कि वो बातचीत में सम्मिलित हो सकें, मगर वो लोग हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उस समय पे हमारा सबसे प्राइम जो मुद्दा था वो था मेरे स्टाफ की सेफ्टी, और अभी मेरा स्टाफ बाकी सभी सेफ हैं। एक हमारा स्टाफ मेंबर अभी भी मिसिंग है, ट्रांसपोर्ट हमारे सब इंस्पेक्टर हैं मिस्टर शेर सिंह जी, उनका अभी तक हम लोग पता नहीं लगा पाए हैं। वो भीड़ के बीच में ही थे और भीड़ ने अभी उनके साथ किस तरीके से क्या अभी हम लोग क्या करते हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है तो हम उनसे कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो सेफ है या किसी तरीके। वारदात जस्ट बॉर्डर पे हुई है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, पुलिस मौके पर मौजूद भी है और एसपी साहब से भी बात हो गई है, डीसी साहब से बात हो गई है, इंस्पेक्ट डीसी सर की तरफ से मिनिस्टर सर को ब्रीफ कर दिया गया है और पूरी तरीके से प्रशासन हम लोगों के साथ इसमें खड़ा हुआ है। और सबसे अहम बात जो हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे कि भीड़ का एक ही मंत्र था कि आरटीओ अंबाला का कोई भी स्टाफ या सेक्रेटरी अंबाला अगर आज के बाद एक भी चलान करेगा तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इस तरीके से आपस में मिली भगत है और बिल्कुल ये जुड़ा हुआ इंसिडेंस है, क्योंकि लगातार हमारी गाड़ियाँ अभी भी पीछा किया जाता है। जिस टाइम पर हम लोग ओवरलोडिंग व्हीकल्स का पीछा कर रहे थे तो करीब 4 से 5 टू व्हीलर्स थे जो हम लोगों को दाएं बाएं से किए जा रहे थे। हम लोगों को शक था, मगर उस समय पे हम लोगों को उम्मीद यही थी कि हम लोग शायद ओवरलोडिंग व्हीकल्स को रोक लें, और अभी भी हमारे पास 2 से 3 गाड़ियों के कागजात मौजूद हैं जिनको हम लोग इम्पाउंड करने के लिए लेकर के आ रहे थे। इस वक्त पे ट्रांसपोर्टर्स ने फोन करके हम लोगों को